الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محاريه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है और हराम भी वाज़े फरमा दिया है। कुरान और हदीस में हलाल और हराम अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दिए हैं। अक्सर चीज़ें तो हलाल रहती हैं और उलमा ने फरमाया कि चीज़ में हलाल होना ही असली है, हराम होने के लिए कोई दलील चाहिए। तो अक्सर और बेशतर चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं। हराम जो है वो खिंजीर, खून, दरिंदे, कुत्ता, दरिंदे, ये हराम है। तिजारत वगैरह सारे काम काज हलाल है, लेकिन सूद और रिश्वत वगैरह हराम है, शराब हराम है। अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है हलाल और हराम। वबैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन, और फरमाया कि हलाल और हराम के बीच में कुछ चीज़ें शुबहे वाली भी हैं जो ला यालमुन कसीर मिन अन्नास, अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो हलाल है या हराम है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, कुछ चीज़ें ऐसी पेश आ जाती हैं कि उसमें शुबहा हो जाता है हलाल होने में हराम होने में। जैसे मिसाल के तौर पर झींगा है, झींगा तो अब उसमें उलमाए किराम का भी इख्तलाफ हो गया है, शवाफ़े के यहाँ जायज़ है, अहनाफ के यहाँ वो मकरूह है। अगर मछली माना जाए तो जायज़ होगा और अगर कीड़ा माना जाए तो नाजायज़ होगा, तो उसमें शुबहा हो गया। और गो है, गो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाई लेकिन आपके दस्तरखान पर खाई गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुबहे की पेश आ सकती हैं। तो उसमें फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फमन तशुबहात, कि जो शुभों से बचेगा तो वो अपने दीन और अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा। फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही वअ इर्ज़िही,
अपना इज्जत अपनी इज्जत भी बचा लेगा और अपना दीन भी बचा लेगा जो शख्स शुभों से परहेज करेगा। अमन वक़ा फ़ी शुबहात वक़ा फ़िल हराम, और जो शख्स हराम में शुभों में पड़ जाएगा, शुभे की चीज़ें इस्तेमाल करने लगेगा, वो हराम भी इस्तेमाल करने लगेगा। अमन वक़ा फ़ी शुबहात वक़ा फ़िल हराम। कर्राई यरा हौल अल-इमा, मिसाल देकर समझाया कि जैसे कोई जगह किसी ने पाबंदी लगा दी है कि यहाँ ममनू है किसी के जानवर चराना, बादशाह की जगह है ये, यहाँ कोई अपने जानवर नहीं चराएगा, तो कोई आदमी उसके आसपास अगर चराता है तो वो वहाँ भी चला जाएगा उसका जानवर, क्योंकि आसपास में उसको पता नहीं रहेगा कोई बकरी वहाँ भी मुँह मार देगी, तो उसके बहुत दूर चराना पड़ता है। तो ऐसे ही हराम से बचने के लिए शुभों से भी बचना पड़ता है। जैसे ख़तरा जहाँ होता है उसमें बहुत पहले से इंतज़ाम कर देते हैं, जहाँ पावर हाउस होता है तो वहाँ अंदर ही नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर जाएंगे तो ख़तरा हो सकता है, तो वो पहले से ही दीवार बना देते हैं, तो एहतियाती तदबीरें करना पड़ती हैं जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शुभों से भी बचना चाहिए एहतियातन। तो जो शुभ में शुभ है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ना कीजिए। यही शुभ हो गया मिसाल के तौर पर कि मेरी चीज़ है कि मेरी नहीं है, आपको शुभ हो गया। 100 रुपये आप के पास पड़े हुए थे, अब आप लग रहा है हो सकता है मेरे हों, हो सकता है मेरे ना हों, तो शुभ हो गया। दोनों तरह का ख्याल जा रहा है, क्या यार मेरे करीब पड़े हुए हैं, फिर याद भी नहीं आ रहा मेरे जेब में कितने पैसे थे, पता नहीं दूसरे के भी हो सकते हैं, तो फिर आप सदका कर दीजिए। तो शुभ की मिसालें बहुत सारी हो सकती हैं, मिसालों में हो सकता है यानी वो हो जाए कुछ आगे पीछे। दूसरी मिसाल भी ला सकते हैं शुभ की। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही हज़रत, तो फरमाया कि वो एक खजूर खा ली थी हमने, तो अब डर लग रहा है हमने हमको कि सदक़े की खजूर तो नहीं थी, वो सदक़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे, ज़कात का माल आपने अपने लिए जायज़ नहीं रखा था, अपनी आलो औलाद के लिए भी, अभी भी जो आपकी औलाद हैं उनके लिए ज़कात जायज़ नहीं है, जिनका नसब महफूज है हुजूर तक पहुंचता है, हज़रत हसन हुसैन और अब्बास तक पहुंचता है, जाफ़र तक पहुंचता है, उनके लिए जायज़ नहीं सदका खाना। तो कहा कि वो मैंने खा ली थी ये समझ कर कि ये मेरा माल होगा, लेकिन सदक़े का भी है घर में, तो अब मुझे शुबह हो गया कि वो सदक़े के माल की है या मेरे माल की है, तो मेरे लिए जायज़, तो इसीलिए हमको नींद नहीं आ रही। और इत्तेफाक़ से हो गया, इसी तरह आप फरमाते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, ये एक अलग हदीस है, और ये भी अलग हदीस है कि खजूर पड़ी रहती है तो मैं छोड़ देता हूँ इसी डर से कि ये सदक़े की होगी, वरना तो मैं खा लेता उसको, लेकिन शुबह हो गया सदक़े की होने की तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात करने की तलकीन फरमाई है और रहनुमाई मिलती है इससे, तो इसलिए शुभों से भी बचना चाहिए आदमी को। इसमें एक और बात आपको बताएं कि एक वसवसा होता है, वसवसे तो बहुत बुरी चीज़ है, वसवसे
उसमें तो नहीं पढ़ना चाहिए। वसवसे की कोई बुनियाद नहीं होती और शुभ की कुछ बुनियाद हो जाती है, वसवसे की कोई बुनियाद नहीं होती है। वसा विषय वो वसवसे तहारत के ताल्लुक से आ जाते हैं और वो रोज़े के ताल्लुक से आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऐसा लगा कि वजू टूट गया और बार बार शैतान ख्याल दिला रहा है वजू टूट गया वजू टूट गया, परेशान करता है वो, तो उसमें उसमें उलमा ने फरमाया और हदीस भी है कि किसी को ऐसा लगे तो जब तक वो पूरा यकीन ना हो जाए वो परेशान ना हो, जब तक पूरा यकीन ना हो जाए वो परेशान हो, तो ऐसा लगता है कि कुल्ली की कि पानी चला गया अंदर चला गया होगा, नाक में चला गया होगा, कान में चला गया होगा, मेरा रोज़ा टूट गया, शैतान परेशान करता है। तो इसके बारे में फरमाया गया कि उलमा फरमाते हैं और हदीस में भी तहारत के बारे में आया है कि उसमें शैतान के वसवसे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हर चीज़ में शैतान वसवसे डाल देता है, लेकिन शुभा हो जाए तब तो फिर। शुभे की एक मिसाल ये भी है कि एक साहबी ने एक औरत से शादी की, तो एक औरत से शादी की, एक औरत आई और कहने लगी कि हमने तुम्हें भी दूध पिलाया, इसको भी दूध पिलाया जिससे तुम शादी कर रहे हो, वो एक रजाई बहन हो गई आपकी है, तो अब शादी तुम्हारी नहीं हुई सही। एक औरत आकर कहने लगी, वो साहबी उबा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कहने लगे कि वो ऐसी कह रही है कि मैंने तुम्हें भी दूध पिलाया, इस औरत को भी दूध पिलाया जिससे तुमने शादी की। अभी ताल्लुक नहीं हुआ था, शादी ही के वक्त में वो उसी दिन बताया उसने, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने ये कहा वो झूठ बोल रही है, ऐसे ही मक्कारी कर रही है, वो हमें जुदा करना चाह रही है, भाई अकाजी मतुल कोई दलील नहीं दे रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफा वक़द क़ील, अब क्यों छोड़ दो उसको, दूसरी औरतें मिल जाएंगी, उसने कह दिया ना शुबा हो गया, तो इसकी बुनियाद मौजूद है, वो कह रही है तो छोड़ दो। तो इस तरह से शुबा हो जाए तो शुबहे में तर्क कर देना चाहिए, और इसके बरक्स कोई भी चीज़ अगर ये शक हो के ज़रूरी है कि नहीं है तो उस पर अमल कर लेना चाहिए। कुछ उलमा कहते हो कि ये वाजिब है, कुछ कहते हो नहीं वाजिब है, तो अमल कर लेना चाहिए। जैसे कुछ उलमा वज़ू में भी कुल्ली करने को वाजिब कहते हैं, नाक में पानी डालने को, इमाम अहमद बिन हम्बल, हनफिया नहीं कहते हैं वाजिब, वो कहते हैं सुन्नत है, तो अब ये समझ कर नहीं छोड़ना चाहिए कि सुन्नत ही तो है, भाई हो सकता है कहीं फ़र्ज़ ना हो, जैसे कि अहमद कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, तो फ़र्ज़ हो तो इसलिए कुल्ली ज़रूर कर लेना चाहिए। तरतीब से वज़ू करना ये भी कुछ उलमा के नज़दीक फ़र्ज़ है, तो जो एहतियाती पहलू हो उसको लेना चाहिए, और हराम होने में इख्तिलाफ़ हो जाता है, कुछ उलमा कहते हैं जायज़ है, कुछ उलमा कहते हैं हराम है, तो एहतियातन उन उलमा का कौल ले लेना चाहिए जो हराम के हैं, जब हराम और हलाल में इख्तिलाफ़ हो तो वो शुभ की वजह से, और फ़र्ज़ और फ़र्ज़ होने और ना होने में हो तो उसको कौल को ले लेना चाहिए जो उलमा कहते हैं फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर कर लोगे तो कोई गुनाह तो होगा नहीं, या वो चीज़ जायज़ हुई और आपने हराम वाला कौल ले लिया तो कोई गुनाह तो होगा नहीं, ज़रूरी तो था नहीं खाना वो, तो सुबह था उलमा कुछ हराम कहते थे तो आप ना इस्तेमाल करो, तो कभी आप दो उलमा से पूछो तो एक के दे जायज़ एक के दे ना जायज़, तो अब दिल तो ये चाहता है कि जायज़ वाले कौल पर अमल कर लो, 10 जगह जाके पूछता है
कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो कहीं देगा जाई है, तो मैं उसी के कॉल पर अमल कर लूँगा। तो इसमें एहतियात ये है कि जब नाजायज़ का भी फतवा कुछ उलमा दे रहे हैं आप, तो वही वाला लो। तो आदमी वो रुख्सत को ढूंढता है, रुख्सतें ढूंढता है। वितर को हनाफ वाजिब मानते हैं, दूसरे उलमा सुन्नत मानते हैं, तो अब छोड़ो नहीं, पढ़ ही लो। तो इसलिए कि कहीं वो वाजिब हो तो बहरहाल। तो इस तरह मिसाल दे करके ये आपको हमने बता दिया कि शुभे वाली चीज़ से आदमी को बचना चाहिए दीन बचाने के लिए। कर्राई रहा यूशको वाक़ फिर आपने फरमाया अला इन फिल जसद मुज़ग़तन कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है। इधर सलाहत सलाह जसद कुल्लू वो जब सही हो जाता है तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। मतलब इनका ताल्लुक दिल से होता है। जिस आदमी का दिल सही होता है तो फिर वो इन सब बातों का ख्याल करता है, अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल करता है। जिसका दिल बिगड़ जाता है वो ख्याल नहीं करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुभों से अपने आप को शुभों से बचाना ये भी एक बहुत ज़रूरी है। कि आप कोई काम कर रहे हैं फिर आप तो जायज़ काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी ये समझ रहा हो कि ये नाजायज़ है, तो आप उसको बता दो सर ये मेरी चीज़ है। जैसे आप मिसाल के तौर पर रोज़ आप सफ़र में हैं, आपका रोज़ा नहीं है, तो आप पानी पी रहे हैं वहाँ। अब वहाँ के लोग मुसलमान समझे यार ये रमज़ान में भी रोज़ा नहीं रखता, तो आप कह दो कि यार मैं मुसाफिर हूँ साहब, तो मुसाफिर के लिए रोज़ा का रुख्सत है। तो आपने बता दिया उसको कि मेरा रोज़ा इसलिए नहीं है कि मैं मुसाफिर हूँ, या बीमार थे आप नहीं रखा, तो अब मैं बीमार हूँ दूसरों से क्यों डरूँ, मैं तो पानी पी लूँ। तो रमज़ान का महीना है तो शुभ हो जाएगा यार ये रोज़ा खो रहे हैं क्या आदमी। तो ये इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो अल्लाह से डरते हैं, भाई अपने आप को शुभों में नहीं डालना चाहिए। लोग ये कहें कि फ़र्ज़ का तारीख है हराम का मुर्तकिब है, तो बता दो कि भाई मैं बीमार था इसलिए नहीं रख पाया, ये उज़्र है मेरा इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ताकि बस एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ़ में थे तो आपकी बीवी आई मिलने के लिए, तो आप गेट पर बातचीत कर रहे थे उनसे, तो दो लोग गुजरे जल्दी से गुजरने लगे हुजूर को एक औरत के साथ गए। उन्होंने कहा रुको रुको ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी सफ़िया है। वो कहने लगे हजरत हम तो कुछ गलत नहीं समझते आपके बारे में। तो कहा कि नहीं शैतान वो डाल देता है बुरी बात दिल में, इसलिए मैंने तुमको बता दिया कि कहीं शैतान ये ख्याल ना डाल देगा किससे बात कर रहे हैं हुजूर। तो सही बात बता देना चाहिए, अपने आप को शुभों से बालातर रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله अरे क्या सब ठीक है हैं पेशाब जोर से बोल सोएगा।
जोर से वहाँ पेशाब कर देगा, मान नहीं चल प्लीज हो जाते। वालेकुम सलाम हैं झींगा मच्छी मतलब शुबे में छोड़ना चाहिए इसको है। हाँ चाहे बतख का बतख बतख जो होती है ये लाल है और झींगा मच्छी से तो बचना चाहिए मतलब बचना चाहिए झींगा। सुनते हैं ऐसे रमजान के टाइम में ऐसे शैतानों को जकड़ लिया था बंद कैद कर लिया था फिर बस फंसा कैसे वो नफ्स की वजह से नफ्स तो नफ्स पर तो सतम का होता है नहीं नहीं कैसे आएगी फिर नफ्स नफ्स का वसवसा अलग होता है शैतान का अलग होता है। तो शैतान जकड़ लिए लेकिन नफ्स अभी आज़ाद है तो नफ्स नहीं नफ्स भी डाल देता है इंसान के अंदर भी नफ्स एक नफ्स वो है वसवसे डालने वाला तो शैतान जकड़ा गया है नफ्स नहीं जकड़ा गया। बताया तो आपको दे तो दिया फतवा भेज तो दिया है सूद वही तो इंटरेस्ट नहीं नहीं मैंने रिलेशन मतलब उसका पूछा था कि एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ तो उसमें तो दिया है कि कर सकते हैं आपने पढ़ा नहीं शायद इसमें दिया है फतवा दिया है आपने को भेजा फिर से पढ़ी जी हाँ खैरियत मैंने जो पढ़ा सवाल था उसका जैसे गैर मुसलमानों को लेकर के जैसे कोई सिख से पाक है लेकिन इस लाइफ में से पता नहीं चल पाया या मतलब अल्लाह की इजाज़त को समझ में आए कि भाई ये कोई खुदा है।